Good afternoon, students. This is the class of Natural Gas Engineering for the semester of fifth semester Petroleum Engineering. So in the last class we were covering about the equation of state, different properties of natural gas, like its standard volume, its specific volume, its specific gravity, compressibility factor of the gas, along with it the real gas law or ideal gas law. Okay, so we have discussed all about these properties and these laws. The last and final property of the gas which is remaining, this is the part of unit second. The last property, this is the gas formation volume factor. It is a very important property. We use this property to relate the volume of gas which is occupied by the gas at reservoir condition to the volume of gas which is occupied by it at surface condition. Surface condition means the standard condition. Okay, we define the standard condition by 60 pressure temperature at 60 degree Fahrenheit and pressure at 40.7 psia. Okay, गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर का क्या यूज है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि हमें रिलेट करना होता है. आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी दैट जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल फ्लूइड होती है. ठीक है, जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल फ्लूइड है. प्रेशर जितना जितना ज्यादा हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी वो डिक्रीज होता रहेगा. ठीक है, तो जैसे मुझे पता है जैसे कि रिजर्वायर से कोई वेल है, ठीक है, रिजर्वायर से गैस प्रोड्यूस होगी तो और सरफेस पे, ये हमारा सरफेस है. ठीक है, तो जो गैस का वॉल्यूम होगा हर स्टेप पे क्या होगा, प्रेशर का रिडक्शन होता रहेगा. ठीक है, अब प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज जाएगा. तो जैसे कि यहाँ पे जो प्रेशर था गैस पे, ठीक है, वो कंपैरेटिवली हाई था, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. ठीक है, जैसे जैसे ये इसका अपर मूवमेंट होगा वेल के अलोंग, ठीक है, जैसे अब इस पॉइंट पे प्रेशर कंपैरेटिवली इस पॉइंट के कंपैरेटिवली यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, कम होगा. ठीक है, इसी गैस फ्लो करती है ना, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो गैस का फ्लो क्यों हो रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, तो इस पॉइंट पे कंपैरेटिवली जो हमारा प्रेशर होगा वो कम होगा. अब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, जो गैस है उसको वो एक्सपैंड होगी. ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा. ओके, अब इस तरीके से सरफेस पे अंदर से प्रेशर इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहां पे बिल्कुल लो हो जाएगा. अब प्रेशर लो है तो क्या होगा, जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से अब हमें क्या करना होता है, हमें रिलेट करना होता है कि सरफेस पे हमें इतना अमाउंट मिल रहा है तो रिजर्वायर से कितना, मतलब कि इस प्रेशर पे इतना अमाउंट यहाँ से रिलीज हो रहा है. ठीक है, इसको कोरिलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर का. ठीक है, ये रिलेट करता है कि सरफेस के वॉल्यूम से जो रिजर्वायर के स्टेट पे, रिजर्वायर की प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पे जो वॉल्यूम है उसको रिलेट करता है कि इतने प्रेशर या इस टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम होना चाहिए अगर सरफेस पे हमें इतना अमाउंट मिल रहा है. ओके, सो जो हमारा गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल बी. ये क्या होता है, गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर. Gas formation volume factor, it is defined by the ratio of volume occupied by the gas at reservoir condition or specified pressure and temperature condition to the ratio of to the volume occupied by the gas at standard condition. Standard condition means the surface condition. Standard condition. कंडीशन का मतलब होता है सरफेस कंडीशन. ठीक है, ये सरफेस कंडीशन, और जो सरफेस कंडीशन में हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि जो सरफेस कंडीशन है, जो आइडियल कंडीशन सरफेस की हम लेते हैं, प्रेशर होता है 14.7 psia एंड जो टेम्परेचर लेते हैं हमको 60 डिग्री.
this is the relation of gas formation volume factor. Is ye generally aapke jo pg hai wo hai hamara gas formation volume factor. जो कि इस टर्म्स में है पी क्यूब पर एससीएफ. ठीक है, एससीएफ एक स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट. स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट क्यों? क्योंकि हम सरफेस कंडीशन पे जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उस पे वॉल्यूम को मेजर करते हैं. ठीक है, जो बी है बी पी टी है पी प्रेशर टेम्परेचर रिजर्वायर कंडीशन पे के स्पेसिफाइड प्रेशर टेम्परेचर. ठीक है, तो वॉल्यूम जो ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by gas at specified pressure and temperature condition. ठीक है, और जो V S T है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वो क्या है? Volume occupied by gas at standard condition और surface condition. Okay, जो जो V P T है मेजर करते हैं फीट क्यूब में. ये जनरली क्या है रिजर्वायर कंडीशन पे जो वॉल्यूम है गैस का वो डिनोट करेगा. और जो स्टैंडर्ड कंडीशन मींस की जो सरफेस पे कितना वॉल्यूम है उसको बी एस टी डिनोट कर रहा है जिसका जिसको हम मेजर कर रहे हैं स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट. ओके, सो ये हमारा था गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर. अब गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर को हम अगर जो हमारा रियल गैस लो है उसमें हम कन्वर्ट करना चाहेंगे किस तरीके से करेंगे? लेट्स सी दिस. जो गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर का जो फॉर्मूला था वो है बीच इक्वल्स टू बी एट पी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट प्रेशर एट रिजर्व स्पेसिफाइड प्रेशर एंड टेंपरेचर कंडीशन टू द स्टैंडर्ड टेंपरेचर. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है, तो जो हमारा रियल गैस का था वो क्या था? पी वी इक्वल्स टू जेड एम आर टी. ठीक है, तो यहां से हम इसको अगर वी के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अगर वी के लिए हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? जेड एम आर टी अपॉन पी. ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे फिट करने में ये हमारा क्या है? रियल गैस लॉ. ठीक है, अब यहाँ से वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो यहाँ फिट करने पे दिस इट विल बी लाइक दैट जेड एम आर टी अपॉन पी. ये जो जो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है वो हमारे रिजर्वायर का जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसका उसकी कंडीशन. ठीक है, अब ये है एसटी स्टैंडर्ड कंडीशन और सरफेस कंडीशन. तो इसको हम डिनोट करेंगे जेड एस टी एन आर टी एस टी अपॉन पी एस. ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर है रिजर्वायर सॉरी स्टैंडर्ड कंडीशन एन और आर से आर कट हो गया. ठीक है, अब एज वी नो दैट जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसकी वैल्यू जो हमारा डेविएशन फैक्टर है या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 होती है एट स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा? बीजी इक्वल्स टू जेड BC equals to ZT upon P. PSC ये जो PSC है remaining वो ऊपर रहेगा shift हो जाएगा upon PSC. ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि जो 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 pressure है standard condition पे pressure कितना होता है PSC की जो value होती है वो होती 14.7 PSI है and जो temperature की जो value होती है वो है 60 डिग्री करना है. ठीक है, अब 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 460 प्लस 60 इक्वल्स टू 520 डिग्री रेडियन. ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे व्हाट विल बी गेट? लेट्स सी, 14.7 डिवाइडेड बाय 520 रेडियन. ठीक है, 520 ZT अपॉन
Its value will be 0.02827 ZP upon P. This is in unit feet cube per standard cubic. Okay. So, इसका जो unit है, ये आपका थोड़ा important ये relation है, ठीक है ना? जो ये examination के हिसाब से अगर आप prepare कर रहे हैं, तो ये correlation आपको बहुत clear होनी चाहिए, ठीक है? और इसका unit भी बहुत important matter करता है कि ये कौन सी unit में है। यहाँ पे इसमें है feet cube per SCF में। अगर हम लोगों को जैसे feet units में हम क्या करते हैं? Barrel use करते हैं generally, ठीक है? तो अगर इसको barrel में convert करना है feet cube को, तो हम क्या करेंगे? हम इसको 5.615 से divide कर देंगे, ठीक है? तो इसको जो barrel में convert करने के लिए क्या करेंगे हम? Feet cube है, इसको 5.615 से divide करेंगे, generally क्या होता है? 1 barrel equals to 5.615 ना फी क्या है, इसके टर्म्स क्या है, फी क्यूब
स्टैंडर्ड की ड्यूटी। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आर आ जाएगा, आर की वैल्यू 10.73 रखते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बैरल का एसटीएफ में आ जाएगा। किसके टर्म्स में? गैस डेंसिटी के टर्म्स में। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंशन फैक्टर। गैस, जैसे कि हमें पता है कि गैस हाईली कंप्रेसिबल फ्लूइड है, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वो एक्सपैंड होगी। ओके, सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस, दिस इज गैस एक्सपेंशन फैक्टर। गैस एक्सपेंशन फैक्टर, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय और डिनोटेड बाय द सिंबल ईज। ओके, सो जो गैस एक्सपेंशन फैक्टर है उसका डेफिनेशन क्या है? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। ठीक है, जो ईज भी हमारा होता है वो क्या है? गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो जो ईजी ईजी की वैल्यू क्या है? 0.02827 ZT upon P, तो इसका क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा? इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने पे हमें क्या मिलेगा? ये था यहाँ पे P क्यूब पर SDF में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 35.37 V upon ZT, जो कि किस में है? अब ये उल्टा हो गया तो क्या होगा? SDF पर फीट क्यूब। ठीक है, यहाँ पे फीट क्यूब पर एसडीएफ है और जो एक्सपेंशन फैक्टर है वो उसका रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर फीट क्यूब। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि गैस प्रेशर रिड्यूस होने पे कितनी एक्सपैंड हो गई। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ जो उनका रिडक्शन हो रहा है उसके साथ उसका जो एक्सपेंशन जो फैक्टर है वो किस अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो रिलेट करती है सरफेस कंडीशन को। अब यही चीज जितनी एक्सपेंशन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया 35.37 T/ZT, ये यहाँ पे क्या था? SDF पर फीट क्यूब है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे फीट क्यूब है, हमें क्या करना है? इसको बैरल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम? बैरल से अब 1 फीट क्यूब का मैंने रिलेशन बताया था, जो 1 बैरल का रिलेशन 1 बैरल इक्वल्स टू 5.615 फीट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 5.615 से, तो ये बैरल में एसटीएफ पर बैरल में ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के क्या आएगा? 198.6 P upon Z। ठीक है, ये जो रिलेशन है वो किसमें आएगा? SDF पर बैरल। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इसको गैस की डेंसिटी के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर P upon Z P को मुझे गैस की डेंसिटी के टर्म्स में अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूंगी? क्या है? रिजर्वायर कंडीशन है। अब पी क्यूब है,
रिजर्वायर का प्रेशर टेम्परेचर है वो है जो एवरेज प्रेशर है रिजर्वायर का वो है 2000 psi एंड टेम्परेचर इज गिवन व्हिच इज 120 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, इसी के साथ जो गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो भी गिवन है 0.78 एंड द डेंसिटी जो गैस की डेंसिटी है वो है 0.72। सो वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लो रेट इन SCF पर डे। ठीक है, मीन SCF मतलब क्या? स्टैंडर्ड लिक्विड। अब इसने स्टैंडर्ड कंडीशन पे गैस की इसने यहां पे क्या कर रखा है, रिजर्वायर कंडीशन पे गैस की फ्लो रेट गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे गैस की फ्लो रेट निकालना है। अब इसके लिए इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा रिलेशन है, गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर का। तो हम गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर यूज करके अब और हमारे पास क्या है, रिजर्वायर कंडीशन पे फ्लो रेट पता है, हम क्या करेंगे सरफेस कंडीशन पे फ्लो रेट को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वही जो रिलेशन है वो दोनों को रिलेट कर सकता है। तो नाउ आई विल कैलकुलेट द गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। Vg इक्वल्स टू, इसका फार्मूला है 0.02827 Zt / P, जहां पे ये क्या है, इसमें है
fluid friction or resistance to flow. ठीक है, जो जो लेयर होती है दो लेयर के बीच में कितना फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस लगेगा उसका जो मेजर होता है दैट इज विस्कोसिटी. ठीक है, अगर गैस है तो गैस की लेयर के बीच में जितना फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेंगे उसको हम क्या कहेंगे, जो रेजिस्टेंस लगेगा उसके फ्लो में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी उतनी ज्यादा. ठीक है, तो अगर जैसे कि क्या है, अगर किसी जो लो विस्कोसिटी है गैस, अगर लो विस्कोसिटी गैस तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होगा, मतलब विस्कोसिटी कम है, मतलब जो रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं कम होगा. ठीक है, तो जो शियर फोर्स अप्लाई होगा, शियर फोर्स अप्लाई होगा दो लेयर्स के बीच में, वो क्या करेगा, वेलोसिटी ग्रेडिएंट को इंक्रीज कर देगा. वेलोसिटी ग्रेडिएंट जो शियर फोर्स होगा इट विल इंक्रीज द वेलोसिटी ग्रेडिएंट. ठीक है, अब वेलोसिटी ग्रेडिएंट इंक्रीज हो जाएगा, शियर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी ग्रेडिएंट इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होके क्या करेगा, विस्कोसिटी की वैल्यू लो है, लो विस्कोसिटी मतलब इट कैन फ्लो इजीली. ओके, सो जो विस्कोसिटी है वो जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर फोर्स पर यूनिट एरिया divided by velocity gradient. ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, इसको हम जनरली विस्कोसिटी के सारे यूनिट हम सीजीएस यूनिट में रहते हैं. ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम और सीजीएस यूनिट. ठीक है, तो जो शियर फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या रहता है, डैम. ठीक है, डैम. अब इसमें क्या क्या है, यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया तो मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितनी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है. अभी क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ग्रेडिएंट मींस कि वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर आ जाएगा, और लेंथ, लेंथ के ऊपर. ठीक है, पर यूनिट लेंथ है, लेंथ के ऊपर आ जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पर. तो इसका जो यूनिट क्या होगा, टाइम सेकंड और सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको हम से म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं. दिस इज द सिंबल म्यू फ्रॉम व्हिच विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय, और जो इसका यूनिट होता है वो है टाइम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि 1 टाइम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको जनरली हम पॉइस में मेजर करते हैं. ठीक है, तो जो इसका रिलेशन है 1 टाइम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ. ठीक है, सॉरी इक्वल्स टू 1 पॉइस, अगर हम पास पास कर रहे हैं इसको डिनोट करेंगे तो n पॉइंट होगा इक्वल्स टू 1 पॉइस. जो 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको हम पॉइस कहते हैं. ठीक है, और हम पॉइस पॉइस में मेजर करते हैं विस्कोसिटी को. ये एक रिलेशन है, ये जो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, तो दीज आर इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है यूनिट्स में थोड़ा सा घुमा फिराया गया, कैपिटल करके हमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें इसके नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा यूनिट कैसे रिलेट हो रहा है. ठीक है, 1 पॉइस में क्या होता है, 1 पॉइस इक्वल्स टू 100 सेंटी पॉइस. ठीक है, और विस्कोसिटी का एक और यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं पास्कल सेकंड, पास्कल टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, पास्कल टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब फोर्स है. ठीक है, तो 1 पास्कल सेकंड में, 1 पास्कल सेकंड में क्या होता है, 10 पॉइस होता है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स थे इनके यूनिट के बीच में, इनके कन्वर्जन के, तो ये आपको याद होने चाहिए आपके एग्जाम्स के थ्रू और के लिए, तो इसमें मैंने आपको बताते हैं. और जो लास्ट जो रिलेशन है गैस का, ये कैसे जनरली जो गैस है वो लेबोरेटरी में इसका मेजरमेंट नहीं होता है. ठीक है ना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इसका जो मेजरमेंट होता है वेलोसिटी का गैस की, वो एम्पिरिकल रिलेशन के थ्रू होता है. ठीक है, अब
to viscosity of gas. Mu g is here, the viscosity of gas. It is a function of pressure, temperature and composition. Why I have composition? The whole fraction is correct. Quantity gas of it na fraction of the composition, temperature or pressure in basis state. जो हमारे विस्कोसिटी है वो वेरी करते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर टेंपरेचर एंड कंपोजिशन ऑफ गैस. ठीक है, तो आज की जो क्लास थी मैम हमने जो दो सॉरी थ्री प्रॉपर्टीज सॉल्व करी है, गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, एक्सपेंशन फैक्टर एंड गैस की जो विस्कोसिटी ऑफ गैस. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई आज की क्लास में कवर. इसी के साथ आपका जो सेकेंड यूनिट है वो कवर हो जाता है. अब जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम जो फंडामेंटल्स क्यों मिले गए इक्वेशन ऑफ स्टेट्स का. ठीक है, तो जो रिजर्वायर है जो उसका फ्लो बिहेवियर रहता है, इससे रिलेटेड जैसे आईवीआर कर्व है, डीवीआर कर्व है, बहुत सारे रिलेशन और इसके मेजरमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट